नमस्कार, मैं डॉक्टर आर ग्रोवर। आज हम बात करेंगे मास्टरबेशन के बारे में, जिसे हस्तमैथुन भी कहते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में युवाओं को सही जानकारी नहीं है। इसके बारे में कई जगह गलत इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, मिथ्या फैला रखे हैं, जैसे कि बाल झड़ जाते हैं, कमजोरी आ जाती है, अंधापन आ जाता है। ये सब बातें गलत हैं। यह एक नॉर्मल हैबिट है, यह बीमारी नहीं है। 95% से अधिक लोग लाइफ में कभी ना कभी मास्टरबेशन करते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। इसे हाँ, इसे सही ढंग से ना किया जाए या गलत तरीके से किया जाए या बहुत ज़्यादा किया जाए तो कुछ समस्याएं आ सकती हैं। मास्टरबेशन क्या है? मास्टरबेशन एक सेल्फ स्टिमुलेशन है। मास्टरबेशन एक सेल्फ ऑर्गेनिज्म है, हजारों सालों से ह्यूमन करते आ रहे हैं। इसे पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं, यह बिल्कुल सामान्य है। आज हम बात करेंगे केवल पुरुषों के बारे में। बहुत से लोग मास्टरबेशन नहीं करते हैं, ये भी बिल्कुल सामान्य है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मेरे पास बहुत सी क्वेरी आती है, उनमें से काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है, क्या वीर्य निकलने से कमजोरी आती है? देखिए, जो वीर्य है वो टेस्टिस के अलावा कई ग्लैंड का सीक्रेशन है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का, सेमिनल वेसिकल का आते हैं। जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होते हैं तो वीर्य जो शुक्र कोश के अंदर धीरे धीरे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। जब पूरा इकट्ठा हो जाता है तो वो इजोकुलेट हो जाता है। यह एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है, दिन के 24 घंटे चलता है, सप्ताह के 7 दिन चलता है, ये लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। परंतु हमारे पास वीर्य को जो स्टोर करने की कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। जब ये लगातार बनता रहता है, जब वीर्य स्टोर करने वाली ग्लैंड भर जाती है तो अंत में वीर्य को बाहर निकलना ही निकलना है। यदि आप मास्टरबेशन नहीं करेंगे तो ये नाइट फॉल के द्वारा निकलेगा। यदि आप नाइट के फॉल के द्वारा नहीं निकला तो आपके पेशाब के रास्ते से निकलेगा। पहली बात क्या है कि वीर्य का जो इजोकुलेशन है ये नॉर्मल है, मतलब मास्टरबेशन करके यदि उसे बाहर निकाला जाए इससे कोई समस्या वाली बात नहीं है, यह एक नॉर्मल प्रोसेस है। क्या मास्टरबेशन करने से जो वीर्य निकलता है उससे कमजोरी या वीकनेस आ सकती है? इसका उत्तर है नहीं। इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे कोई कमजोरी नहीं होती। क्या मास्टरबेशन करने से बच्चा पैदा करने की क्षमता पर असर पड़ता है? क्या मास्टरबेशन करने से वीर्य समाप्त हो सकता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। जो वीर्य है वो 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन बनता रहता है, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, तो वीर्य समाप्त होने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात क्या है, जो बच्चा पैदा करने की जो हमारी क्षमता है वो हमारी टेस्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, उसमें जो शुक्राणु बनते हैं उस पर डिपेंड करती हैं, ये भी कंटिन्यू प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है, तो ये सारी बातें गलत हैं। कई बार क्या होता है कि यदि इजोकुलेट हो जाता है एक बार वीर्य, दूसरी बार इजोकुलेट होता है तो उस केस में वीर्य कम निकलता है, यह भी बिल्कुल सामान्य है। कई लोगों को लगता है कि वीर्य कम निकल रहा है तो मतलब वो हमारा वीर्य समाप्त हो रहा है, तो ये सारी बातें मिथ्या हैं। हाँ, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यदि इसको गलत तरीके से किया जाए, रफली हाथों से किया जाए, बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ के किया जाए, तो नेचुरली बात यह है तो उससे कुछ समस्याएँ आ सकती हैं, उससे स्वेलिंग आ सकती है, उससे कट लग सकती है। यदि कई लोग देखा है कि इरेक्ट पेनिस को मोड़ते हैं, ये भी गलत है, इससे भी इंजरी आ सकती है। कई लोग क्या गंदे हाथों से करते हैं, गंदे हाथों से नेचुरली बात है जो हाथों में इन्फेक्शन होता है उसका फैलने का खतरा रहता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप मास्टरबेशन करो हाथों को साबुन से ढंग से वॉश करके करें। हाँ, कई बार देखा है कि युवाओं को इसकी आदत पड़ जाती है, वो लगातार करते हैं, वो दिन में कई बार करते हैं। नेचुरली बात है जब ज़्यादा उनकी इसकी हैबिट पड़ जाती है तो उनका नेचुरली बात है कैरियर प्रभावित होने लग जाता है, उनकी नॉर्मल लाइफ प्रभावित होने लग जाती है, उनकी स्टडी प्रभावित होने लग जाती है। जो ये आदत है ये गलत है,
यदि ऐसी आदत है तो उसको धीरे धीरे कंट्रोल करना चाहिए, जिससे क्या है कि आपकी स्टडी प्रभावित न हो, आपका कैरियर प्रभावित न हो। हाँ, मैं अंत में एक बार बताना चाहता हूँ कि मस्टर्बेशन बुरा नहीं है, यह गलत नहीं है, यह बिल्कुल नॉर्मल है, परंतु यदि इसको गलत ढंग से किया जाए, गंदे हाथों से किया जाए, इतना ज़्यादा किया जाए कि हैबिट पड़ जाए, आपकी नॉर्मल लाइफ प्रभावित होने लग जाए, आपका कैरियर प्रभावित होने लग जाए, ये चीज़ गलत है। यदि आप मस्टर्बेशन करते हो तो हाथों को डिटोल साबुन से साफ करके करो, आप सामान्य प्रेशर से करें और इतना करें कि नेचुरली बात है कि आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वो प्रभावित ना हो। यदि आपकी नॉर्मल लाइफ प्रभावित नहीं होती तो सब सामान्य। सेक्स के बारे में युवाओं के अंदर भ्रम फैले हुए हैं, उनमें अज्ञानता है, तो मेरा मोटो ये रहता है कि मैं उनकी ये अज्ञानता को दूर करता हूँ। धन्यवाद।